नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है एक फीमेल और इनकी एज है 37 ईयर्स, और इन्होंने कहा कि करियर में सेट नहीं हो पाती हैं और आगे करियर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अपना काम करना चाहिए। इनका कुछ मिस्टिक और ऑकल्ट साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो इस तरह की चीज़ें में क्या ये फील्ड सूट करेगा इनको, और इन्होंने हायर स्टडीज़ में भी एनरोल किया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनके जीवन में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से करियर में ये सेट नहीं हो पाती हैं और आगे आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो पाम इनका देखा जाए तो अच्छा भरा हुआ पाम है। पाम में ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म दिक्कत हो। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये देखें, यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लाइन्स हैं, ये राहु रेखा, ये देखें, ये इतनी बड़ी कट्स। जब इंसान के जीवन में इतने बड़े बड़े कट्स लगे हों तो इंसान बार बार परेशानी झेलता है, दिक्कतें झेलता है, और कभी पारावारी झेलता है, कभी होता है कि आपको अपने ही देखिए, ये ऐसा लगता है यहाँ पर ये कुछ अराउंड 20s में कुछ बड़ी दिक्कत फेस करना, कोई फैमिली प्रॉब्लम या कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसने आपको फाइनेंशली भी मेंटली भी, एक होता है कि आपके दिलो दिमाग पर असर छोड़ा। उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर भी कुछ 26 साल के आसपास, फिर ऐसा लगता है कि 33 वर्ष के आसपास, फिर ये देखिए 36 37 के आसपास, तो ये इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं ये जा रही हैं। ये तो जब भी इतनी बड़ी बड़ी ये स्ट्रेस लाइंस होती हैं तो ये इंसान को झंझोड़ के रख देती हैं। ऐसा लगता है कि इंसान के जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आना जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन उथल पुथल हो जाता है, उसका जीवन ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और वो समस्या इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान परेशान सा हो जाता है। इंसान को लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इस समस्या से कब बाहर आऊँगी, मेरे साथ के सारे आगे निकल गए, या मैं यही झेलती रहूँगी, क्या मेरा जीवन इसी तरह चलेगा, और काफ़ी हद तक डिप्रेशन भी आने लगता है। यहाँ पर देखिए, हाथ में मस्तिष्क रेखा टूट रही है, यानी कि इंसान का मनोबल तक गिरना, यानी कि इंसान कैसे उस समय को झेल रहा है वही जाने। ये देखिए, यहाँ पर ये इतना बड़ा आइलैंड का चिन्ह नहीं है। जब भी इतना बड़ा आइलैंड का चिन्ह होता है इंसान के जीवन में, कम से कम ऐसा लगता है कि 8 से 10 वर्ष पहले, ये देखिए, मतलब 8 से 10 वर्ष का समय जो होता है, 8 to 10 ईयर्स इंसान प्रॉब्लम झेलता है, और वो ये प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि ना तो बाहर निकल पाता है और ना वो प्रॉब्लम कम होने का नाम लेती है, सारी तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में इंसान के जीवन में उसको पता चलता है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, मतलब एक तरह से उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो ये सोचता है कि मैं कल क्या होगा, मेरा आगे आने वाला समय मैं क्या करूँगा, मैं कैसे अपना समय गुजारूँगा, इस तरह की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी देखिए, ये समय इनका बीत चुका है और मुझे लगता है कि अब आगे आने वाला समय काफ़ी बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए, लाइफ लाइन एकदम साफ स्वच्छ हो रही है। अगर हम इनका देखें 38 के आसपास का समय देखें, जैसे अब 37 ईयर्स की एज है, 38 39 की बात करें, 40 45 वाला वर्ष कैसा रहेगा, ये देखिए, साफ सुथरी रेखा एकदम चल रही है, यानी जीवन में अब आगे कोई भी किसी तरह की स्ट्रेस लाइन हमें नहीं दिखाई पड़ती। अब आते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा देखिए, यहाँ से चलती चलती ये अचानक से टूट गई है, तो ये ऐसा समय आया जीवन में जिसने इनके मस्तिष्क तक को भी झंझोड़ दिया। देखिए, घर में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इंसान सबसे पहले मेंटली सफ़र करता है और उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, तरह तरह की टेंशन आती है, उसको लगता है कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगी, और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इनका क्वेश्चन करियर ओरिएंटेड है, इसलिए हम इनको वर्किंग लेडी हैं तो इसलिए हम इनका राइट हैंड देखेंगे, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो चीज़ एकदम ये ब्रेक, ये भी ऐसी दिखाता है, ये 8 से 10 साल का समय है, ये पूरा ब्रेक हो जाना, लेकिन ये रेखा नई शुरू हो रही है और इस रेखा को आगे जाके बल मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पर ये रेखा पर ये इतने कट्स, ये देखिए, यहाँ से ये कट्स आ रही है, ये कट आ रहा है, तो इस मस्तिष्क रेखा पर बहुत दबाव पड़े। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से 40 वर्ष के आसपास आते आते ये पूरी तरह से अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगी। अब ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए हृदय रेखा, हृदय रेखा भी अच्छी लंबी हृदय रेखा है, लेकिन ये भी इतनी बड़ी लंबी रेखा है, लेकिन ये भी डिस्टर्ब है, यानी कि होता है ना हृदय पे आघात लगना, आपकी फीलिंग्स हर्ट होना, ये देखिए, ये
इस तरह से धोखे मिलना या फीलिंग्स का हर्ट होना, या दिल पे टेंशन लेना, दिल पे बोझ होना, इस तरह की चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। और देखिए धन की रेखा की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए ये रेखा अच्छी खासी चल रही है, एक अच्छे घर परिवार में जन्म लेना। और ये देखिए यहाँ पर ये रेखा पर कट्स आ रहे हैं, ये तो ये देखिए ये स्ट्रेस दिखाता है। अगर हम इस रेखा को देखें आगे, ये कंटिन्यूस चल रही है, ये दो भागों में डिवाइड भी हो रही है, तो ये इनकम तो दिखाती है, लेकिन ये देखिए ये कट्स, समय समय पे दिक्कतें का आना, परेशानियों का आना, खर्चों का आना, ऐसा लगता है पिछले 5-7 साल से खर्चे ही खर्चे, और खर्चों की पूर्ति नहीं हो रही है, इनकम जितनी नहीं है उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर देखें हाथ में। तो आगे आने वाले समय में इन रेखाओं का असर ख़त्म हो चुका होगा और ये रेखा आगे बढ़ती रहेगी इस तरह से। और ये देखिए यहाँ से भी एक नया इनकम का सोर्स ये भी दिखता है और ये रेखा इस तरह से जा रही है, तो अच्छा खासा जीवन दिखाई देता है। अब चलते हैं इनके हाथ में, जैसे इन्होंने करियर की बात करी तो करियर में आगे अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आगे ब्राइटनेस दिखती है, इनकम का इनफ्लो दिखता है। और यहाँ पर ये देखिए विद्या की रेखा अच्छी है, तो आगे जैसे होता है सीखने की बड़ी इच्छा होना, और ऐसे लोग सीखने के लिए कोई उम्र की इनको ये नहीं होता कि स्कूल कॉलेज छोड़ दिया तो अब हम क्या करेंगे सीख के, लेकिन ये सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान इनके अंदर होता है कि ज्ञान हमें पाना है, ज्ञान के भूखे होते हैं ये लोग, तो इनको हर तरह से लगता है कि कुछ ना कुछ सीखते रहना ज़रूरी है। अब इन्होंने जैसे अपना पूछा था कि क्या ये बिजनेस कर सकती हैं, या जैसे इनका ऑकल्ट और मिस्टिक साइंस में इंटरेस्ट है तो क्या उस फील्ड में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो बुद्ध का पर्वत इनका अच्छा है लेकिन दबा हुआ है। ये देखिए बुद्ध से ये एक रेखा इस तरह से आ रही है, लहरा आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ हो, यानी कि काम चलाऊ टाइप काम करना, यहाँ पर ये रेखा आके टूट जाती है, तो यानी कि आप जो काम कर रहे थे तो कई बार होता है कि उस काम से आपको प्रॉफिट नहीं मिलना या वो काम बीच में छूट जाना। ये रेखा इतनी बड़ी इस तरह से निकल रही है तो ये इनको ज़रूर सफलता दिलाएगी, लेकिन हाँ मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि कोई बिजनेस ना करके कंसल्टेंसी सर्विसेज करें, जहाँ पर इनको कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। होता क्या है कि जैसे जब इस तरह की रेखा में लहराव हो या इस तरह का लहराव हो तो कई बार होता है कि एक तो देखिए कि जैसे कि हेल्थ इश्यूज आते हैं, दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब इस तरह से दूसरी रेखा है लेकिन वो भी लहरा रही है तो इंसान बिजनेस करता है तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। तो ऐसे में अगर इंसान जैसे इन्होंने मिस्टिक साइंस का कहा, ऑकल्ट साइंस का कहा, कुछ इस तरह से अगर ये सर्विसेज में जाती हैं तो वहाँ नुकसान नहीं होने के चांसेज होते हैं, वहाँ पर अपनी विद्या को यूज़ करें, कंसल्टेंसी को यूज़ करें, तो एक कंसल्टेंसी के माध्यम से ये काफ़ी अच्छी रेखा है। और इनके हाथ में यहाँ पर देखें बुद्ध पर्वत पर ये देखिए छोटी छोटी रेखाएं, ये देखिए एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, तो ये हीलिंग लाइंस होती हैं एक तरह से अगर हम देखें, ये तो ये हीलिंग लाइंस होती हैं, दूसरों को हील करना, दूसरों को उनके एक होता रिलीफ कराना, उनको तसल्ली दिलाना, उनको उनके दुख दर्द दूर करना, इस तरह की भावना इनके अंदर देखी जाती है, उस तरह का नेचर देखा जाता है। तो ऐसे में कंसल्टेंसी ये लोग बहुत अच्छी कर लेते हैं, और मिस्टिक साइंस या ऑकल्ट साइंस इस तरह की भी फील्ड में आने के लिए आपके अंदर ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लाइंस है ये पूरी तरह से इस फील्ड में आने के लिए आपको सपोर्ट करती हैं, और ये रेखा लाइन ऑफ कंसल्टेंसी की तरह काम करेगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब ये तो इनके करियर का क्वेश्चन हुआ, अब चलते हैं इनके हैंड एनालिसिस की ओर कि देखिए इनका हैंड क्या कहता है। देखिए अच्छा खासा इनका पिंक कलर का पाम है और ये देखिए रेक्टेंगुलर पाम है। ऐसे लोग काफ़ी मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क से ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं ऐसे लोग, और नए नए आइडियाज़ सोचना, नए नए आइडियाज़ डेवलप करना इनकी नेचर में होता है। ऐसे लोग ही मस्तिष्क रेखा जो रेक्टेंगुलर पाम वाले होते हैं उनकी मस्तिष्क रेखा लंबी देखी जाती है। यहाँ पर देखें अच्छी खासी मस्तिष्क रेखा लंबी यहाँ से एक छोर से निकल के दूसरे छोर तक जा रही है। यहाँ पर हाथ में देखें एम के चिन्ह की बात करें तो एम का चिन्ह ये देखिए बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रेखा जैसे हमने देखी थी टूट गई। देखिए होता क्या है, एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं से बनता है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा। अगर इंसान अपने मस्तिष्क का अच्छा से इस्तेमाल करता हुआ पैसा कमाता है तो उसका दिल भी खुश रहता है और जीवन में संवर जाता है। यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा टूट गई और यहाँ पर ये यव के चिन्ह ने भी दिक्कत दिखाई, तो ये चीज़ डिस्टर्ब करती है। और ये देखिए हाथ में अगर हम देखें तो ट्रायंगल भी अच्छा खासा है, ये देखिए ये इंटरनल पोजीशन
इंसान की सॉलिड भी बनाता है। कोई ना कोई जीवन में ऐसा सपोर्ट होना, कोई ना कुछ ऐसा जीवन में कि देखिए सपोर्ट लाइन ऑफ सपोर्ट भी दिखती है, किसी का सहारा इनके जीवन में काफ़ी है और ये इंटरनल पोजिशन सॉलिड भी बनवाएगा। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके हस्बैंड ने कनाडा के लिए पीआर के लिए अप्लाई किया है, तो क्या वो प्रॉस्पेक्ट्स बनेंगे, तो ये भी हम इनके हाथ से देखते हैं। विदेश जाने के, विदेश में कमाने के भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। देखिए यहाँ से ये रेखा, भाग्य रेखा निकल रही है, तो ये विदेश से कमाने की ओर भी इशारा करती है। विदेश से कमाई मिलना किसी MNC के थ्रू, अगर इंडिया में कई बार होता है कि आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन कंट्री से आपको पेमेंट दे वो होता है, या आप जैसे फॉरेन कंट्री जाते हैं तो फॉरेन कंट्री से कमाई होना, विदेशी लोगों से लाभ मिलना, विदेशी लोगों से कमाइयाँ होना, और ख़ास तौर से लेडी से बहुत लाभ मिलता है। जीवन में कोई ना कोई लेडी ऐसे होगी इनके जो इनको बहुत सपोर्ट करती होंगी, तो ये सब चीज़ें दिखती हैं हाथ में। चंद्रमा काफ़ी बढ़िया है, जब चंद्रमा इतना अच्छा हो तो इंसान विदेश ज़रूर जाता है। मैंने देखा है हाथों में कि विदेश जाने के लिए चंद्रमा इतना फ्लफी होना चाहिए, चंद्रमा में इतना उभार होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए ये रेखा बहुत सपोर्ट कर रही है, तो इनको ये देखिए यहाँ पर। और ऐसे वो लोग अगर कोई ऑनलाइन वर्क भी करते हैं तो उससे भी इनको फ़ायदा होता है, वेबसाइट्स का वर्क, ऑनलाइन वर्क, वर्क फ्रॉम होम, इस तरह के वर्क भी सूट करते हैं। अब हाथ में देखते हैं इनके यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से जीवन में अच्छा खासा स्ट्रगल देख रहा है। ये देखिए जीवन का ग्राफ, ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत करना, फिर स्टेबिलिटी पाना, ये चीज़ दिखती है। ऐसे लोग जीवन के मिड तक ऐसा लगता है कि जीवन का एक अच्छा खासा पार्ट, खास तौर से 40 वर्ष तक ऐसा लगता है कि हम स्ट्रगल ही करते रह गए, हमारे साथ के सारे आगे निकल गए और हम कहीं पीछे ही रह गए, हम कब तक स्ट्रगल करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि मेहनत का फल मीठा भी मिलता है और फल बहुत अच्छा मिलता है। आगे आने वाला समय जीवन में काफ़ी तरक्की भी कराता है और पिछले जितना भी लॉस हुआ उसकी पूर्ति भी करवाता है। अब हाथ में देखें और एक चीज़ और देखी मुझे अभी इनके हैंड में यहाँ पर, ये देखिए ये लाइन इतनी बड़ी लॉस की लाइन आई, लेकिन उसके साथ एक प्रोग्रेस लाइन भी आई, यानी कि लॉस के बाद एक प्रोग्रेस होना, कुछ ना कुछ बड़ा प्रोग्रेस दिखता है हाथ में, तो ये चीज़ एक बेनिफिट है। हो सकता है कि अब अगले 1 से 1.5 साल में इनको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले और जो जीवन में काफ़ी तरक्की दिलवाए और आगे लाइफ लाइन, ये चीज़ साफ है, किसी तरह का यव नहीं है। देखिए ये यव चिन्ह होता है, ये इसने पूरा काम खराब करा है हाथ का, इसने हाथ में सभी रेखाओं ने, देखिए ये रेखा का टूट जाना, ये रेखा का बीच में डिस्टर्ब हो जाना, ये इन तीनों चिन्हों ने इनके जीवन में जरूर उथल पुथल मचाई होगी, पूरा जीवन इनका डिस्टर्ब कर दिया होगा। अब हाथ में चलते हैं उंगलियों की ओर, उंगलियों को देखें तो यहाँ पर ये इस तरह से बेंट हो रही है, तो ऊपर वाले में भी आस्था रखते हैं ऐसे लोग। और ये देखिए यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा उंगली ऊपर है। गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर में कंपैरिजन करें तो गुरु की फिंगर लंबी है। जब भी गुरु की फिंगर लंबी होती है ऐसे में इंसान में बहुत स्वाभिमान होता है, ऐसे में इंसान के अंदर एक होता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात, किसी घर से मदद नहीं लेंगे, अपने उन बलबूते पे करेंगे, जो करूँगी मैं अपने बलबूते पे करूँगी और मैं क्यों ना करूँ, मैं करके दिखाऊँगी, मैं अपने आप को प्रूफ कर सकती हूँ, इस तरह की भावना इनके अंदर देखी जाती है। सेल्फ रेस्पेक्ट इनके लिए बहुत बड़ा होता है, तो ये सब चीज़ें इनके, और हर काम को परफेक्टली करना इनकी नेचर में होता है। ये लोग कोई काम को टलाते नहीं है, या होता है कल कर लेंगे या जल्दी जल्दी कर लेंगे, इस तरह से नहीं नेचर होता, इनको हर चीज़ में परफेक्शन पसंद होता है, तरीके से कायदे से चलने वाले होते हैं। यहाँ पर देखें तो छोटे छोटे झरोके से दिखते हैं, तो ये झरोके बताते हैं इनकम से ज़्यादा खर्चे होने। कई बार होता है कि इंसान के जीवन में खर्चे इतने लगे रहते हैं, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी मुसीबत आके सिर पर खड़े हो जाती है, जिसकी वजह से इनके खर्चे रुकते नहीं हैं। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर ये देखिए ये छोटी फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक हम कह सकते हैं कि आ रही है, थोड़ी सी रुकी सी लग रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, हल्का सा डिफरेंस लग रहा है, पर फिर भी ये देखिए अगर हम उंगली का साइज़ देखें तो थोड़ी छोटी है। ऐसे लोग भोले स्वभाव के होते हैं, लोग इनके भोलेपन का काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं और इनके सोचते हैं कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जाए, इस तरह की स्वभाव वाले लोग इनसे टकराते होंगे। अब चलते हैं हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये उल्लन लूप है, जब भी ये उल्लन लूप होता है गुरु की फिंगर पर तो ऐसे में इंसान को एक
स्टेबिलिटी लेने में दिक्कत आती है, करियर स्टेबल नहीं हो पाता, करियर में ऐसा लगता है अनसेटिस्फेक्शन बना रहता है, करियर में स्टेबल होने में सेट होने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, ऐसा लगता है जीवन का एक बड़ा पार्ट करियर को स्टेबल बनाने में निकल गया। यहाँ पर देखते हैं तो ये एक टेंटेड आर्च है। जब भी इस प्रकार का टेंटेड आर्च होता है जीवन में शनि के फिंगर पर, तो टेंटेड आर्च जीवन में इंसान को काफ़ी उतार चढ़ाव कराता है। अपने जो सिंबल है इसका, ये आर्च का, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसा लगता है इंसान के कि कहाँ तो अभी कुछ साल पहले तक मेरी पोजीशन बहुत बढ़िया थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, मैं ऊंचाइयों पे थी, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस तरह की पोजीशन पे खड़ा कर देता है। लेकिन अगले ही पल कब ये पासा पलट दे अपना, तो ये इस तरह का खेल दिखाता है। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर ये एक पिकॉक साइन है। देखिए पिकॉक साइन जब भी होता है तो ये साइन इंसान को जीवन में, देखिए करियर एक से ज़्यादा करियर करवाता है, यानी कि लाइन चेंज करवाता है करियर की। जिस फील्ड में होते हैं, जैसे कि किसी फील्ड में कई साल काम करा, उसके बाद उस फील्ड को चेंज करा देना, फिर उससे अलग फील्ड को चेंज करा देना, तो ऐसे मल्टीपल फील्ड्स में कई बार ये लोग काम करते हैं। परंतु इनके जीवन में तरक्की 40 के बाद आती है, काफ़ी अच्छी तरक्की ये लोग ले जाते हैं। अब देखिए हाथ में, यहाँ पर देखिए छोटी फिंगर को अगर हम देखें, यहाँ पर भी उन्हें लूप है। ऐसे में इंसान को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को ये दिक्कत, परेशानी का सामना करना पड़ता है, लॉसेस का सामना करना पड़ता है। कभी भी रुपए पैसा दें तो किसी पे विश्वास करके ना दें, नहीं तो ऐसे लोगों को धोखा होता है। और कभी किसी को उधार दे दिया या कुछ पैसा दे दिया, मदद कर दी, तो वो पैसा लौट के नहीं आता। अब देखिए हाथ में यहाँ पे फिंगर्स में एक चीज़ और बताएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन्स हैं, ये अच्छी लाइन्स हैं, अच्छा खासा नेटवर्क भी होता है ऐसे लोगों का, और ऐसे लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं, रुपए पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं जीवन में, काफ़ी अच्छी कमाइयाँ करते हैं और जीवन में एक कहना चाहिए अच्छा स्टेटस सिंबल भी बना लेते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में अंगूठे के फिंगरप्रिंट की ओर, कि देखिए अंगूठा क्या कहता है। यहाँ पर देखें अंगूठे पर ये उल्लन लूप है। ऐसे लोग अपने परिवार वालों को बहुत प्यार करते हैं, उन पर जान नछावर करते हैं उन पर, और ये देखिए छोटी छोटी नेगेटिव रेखाएँ ये इनको परेशानी दिलाती होंगी, कि होता है कि आप कोई काम करने निकले तो कोई ना कोई परेशानी आके खड़ी हो गई, इस तरह की। विल पावर का क्षेत्र देखें तो अच्छा खासा विल पावर है, और लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र देखें तो लॉजिक और प्लानिंग का भी काफ़ी बढ़िया क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि काफ़ी समझदार, काफ़ी सोच समझ के प्लान करना, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। ये देखिए इतना बड़ा ये यफ का चिन्ह है, इसको कई बार हम जौ का बीज भी बोलते हैं। तो ऐसे लोग जीवन में एक अच्छे संस्कारी परिवार में पैदा होते हैं और अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखें अंगूठा इस तरह से, ये अगर हम इसको पीछे की ओर मोड़ेंगे तो पीछे की ओर मुड़ जाएगा, तो ऐसे में काफ़ी एडजस्टेबल नेचर होती है ऐसे लोगों की, अपनी चीज़ों को ये कहना चाहिए कि किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं लोग। अब देखिए हाथ में पाँचों फिंगर्स की बात करें तो हमें मिलता है एक पिकॉक साइन, बाकी सारे हमें उल्लन लूप मिलते हैं, और तीन उल्लन लूप हैं, एक टेंटेड आर्च है और साथ में एक हमने पिकॉक साइन देखा। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड में कौन सा चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए यहाँ पर भी हमें एक उल्लन लूप मिलता है। जब भी ऐसा उल्लन लूप होता है इंसान अपने जीवन में, हमने देखा था राइट हैंड में भी इसी तरह का चिंबल था, तो इंसान अपने प्रोफेशन में सेट होने में देरी आती है, स्टेबिलिटी होने लेने में दिक्कत आती है। अब हाथ में देखते हैं शनि की फिंगर, शनि की फिंगर पे कौन सा चिन्ह है, ये देखिए शनि की फिंगर पर हमें मिलता है ये देखिए उल्लन लूप। ऐसे में इंसान अपने जीवन में जो भी परेशानी दिक्कत आती है उसको बड़े समझदारी से टैगल अप करता है, और जैसे कहना चाहिए कि परेशानी से काफ़ी कुछ सीखता है और वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराता है। यहाँ पर देखें हाथ में तो सूर्य के फिंगर पर हमें मिलता है उल्लन लूप, जैसे कि हमने देखा था कि राइट हैंड में था पिकॉक साइन, लेकिन यहाँ पर उल्लन लूप है, तो ऐसे में कई बार होता है इंसान अपने जीवन में जो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स झेलता है और समाज में मान सम्मान बनाने में भी उसको समय लगता है। अब आते हैं हाथ में यहाँ पर बुध की फिंगर पर, बुध की फिंगर पर भी हमें दिखता है उल्लन लूप, तो ऐसे में स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे में नुकसान उठाना पड़ता है। अब आते हैं अंगूठे की ओर, देखें अंगूठे पर कौन सा चिन्ह। अब देखिए अंगूठे पर हमें मिलता है उल्लन लूप, जैसे कि हमने राइट हैंड में भी देखा था,
उड़ना लूप में क्या होता है कि इंसान अपने परिवार पर न्यौछावर रहता है, अपने परिवार को बहुत प्यार करना, भाई बहनों को बहुत प्यार सम्मान सम्मान देना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती है। और यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर भी ये यव का चिन्ह हमें दिखाई पड़ता है, ये तो इस तरह। और ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैवलिंग लाइन्स भी इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं, तो ये ट्रैवलिंग लाइन्स भी इनके हाथ में काफ़ी अच्छी हैं। अब अगर हम इनकी 10 उंगलियों का समावेश निकालें तो हमें इनके हाथ में उल्लन लूप ज़्यादा दिखाई देते हैं। उल्लन लूप दिखने से इंसान के जीवन में देखिए क्या होता है कि उल्लन लूप भी है, साथ में हमने टेंटेड आर्च भी देखा और साथ में हमने पिकॉक साइन भी देखा। पिकॉक साइन हमें दिखाई दिया सूर्य की फिंगर पर, तो ऐसे में उतार चढ़ाव देखना या प्रोफेशन चेंज करना, तो दिक्कतों का सामना करना, उल्लन लूप जब भी होते हैं तो इंसान के जीवन में काफ़ी हद तक समय में ग्रोथ में दिक्कत आती है। लेकिन हमने साथ में देखा कि आगे जो जीवन रेखा पर हमें जो यव का चिन्ह दिखाई दिया तो उसने ज़्यादा काम खराब किया होगा इनके जीवन में। चलिए अब चलते हैं हाथ में इनके माउंट्स की ओर। ये माउंट्स क्या करते हैं, क्या कहते हैं? अब देखिए हाथ में यहाँ पर गुरु पर्वत पे देखें तो गुरु पर्वत अच्छा खासा उभार लिए हुए है, तो फैमिली सपोर्ट काफ़ी मिलती है ऐसे लोगों को। और ये देखिए ये एक अगर हम चिन्ह देखें तो यहाँ पर ये रिंग ऑफ सोलोमन है। जब भी रिंग ऑफ सोलोमन होता है तो इंसान अपने जीवन में देखिए काफ़ी सिंपैथिक नेचर का होता है और एक उनके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, स्पिरिचुअलिटी की ओर उनका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है। और ऐसे में कई बार होता है चैंटिंग के टूवर्ड्स, कई बार होता है कि स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की चीज़ों में उनका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता है। और इनका क्वेश्चन भी था मिस्टिक ऑकल्ट साइंस से, तो वो भी देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ से एक रेखा इस तरह से भी घुमाव ले रही है, तो ये मिस्टिक साइंस के लिए भी इशारा करती है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने देखा था, ये देखिए जो शनि पर्वत है, शनि पर्वत दबा हुआ है। ये जब भी दबा हुआ होता है इंसान जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानी से जूझ रहा होता है। यहाँ पर देखिए ये दो भाग में इस तरह से ये भाग्य रेखा चल रही है और इसी के बीच में एक अच्छी खासी मछली हमें दिखाई देती है। ये जब भी इतनी बड़ी मछली हाथ में होती है, भाग्य रेखा को टच करती है, इंसान जीवन में अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, काफ़ी अच्छी पोजीशन भी लेता है। और अपने अगर हम देखें तो इनके पास 50-55 वर्ष के बाद काफ़ी अच्छे पैसा होने की उम्मीद दिखाई देती है हाथ में, काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ये हाथ में। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए सूर्य पर्वत पर आते हैं। एक चीज़ और बताएंगे, देखिए यहाँ पर ये एपेक्स की चिन्ह है। एपेक्स का चिन्ह इंसान को कई होता है कि अपने विद्या में टाइम टू टाइम अपडेट करना, और ये देखिए अपने आप को अपडेट करना, टाइम टू टाइम अपडेट करना, अपनी नॉलेज बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो ये गुरु पर्वत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर देखें तो ये जो शनि पर्वत पर भी ये इस तरह की ये देखिए एपेक्स की चिन्ह। जब भी इस तरह की एपेक्स की चिन्ह होती है इंसान अपने जीवन में जो मुसीबतें झेलता है उससे काफ़ी कुछ सीखता है। साथ ही साथ कोई ना कोई जीवन में ऐसा सपोर्ट होता है जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक उनसे बचाव होता है। ये देखिए यहाँ पर एक ये लूप ऑफ, ये देखिए लूप ऑफ कर्म है, लूप ऑफ सीरियसनेस है। कोई भी काम करती होंगी बहुत डेडिकेशन के साथ करती होंगी, कोई लापरवाही, कोई स्लोनेस उनके काम में नहीं मिलती होगी। हर चीज़ को टाइम पे करना, तरीके से करना, ये सब चीज़ें दिखता है। और ऐसे लोगों के अंदर एक चीज़ और देखी जाती है कि ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं, बहुत एक तरह से हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए ये एक त्रिशूल नुमा चिन्ह है इनके हाथ में, ये बहुत बढ़िया चिन्ह है। और एक ये देखिए इनहेरिटेंस का भी योग बनता है, ये देखिए ये इस तरह से ये तो ये। और एक ये रेखा निकल रही है पूर्व पुण्य रेखा। पूर्व पुण्य रेखा होती है जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं उनका इस जन्म में आपको फल मिलना। और सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर ये देखिए ये त्रिशूल का चिन्ह है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा नेम फेम भी दिलवाता है और जीवन में बहुत तरक्की कराता है। इनका सूर्य पर्वत दबा हुआ है, सूर्य पर्वत जब भी दबा होता है इंसान को आंखों का चश्मा होता है, ये पिता से मतभेद, पिता से दूरी, इस तरह की चीज़ दिखती है। और कई बार होता है कि नेम फेम पाने में, करियर ग्रोथ पाने में भी ये दिक्कत दिलवाता है। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर बुध पर्वत पर। बुध पर्वत देखा था जैसे कि हमने दिक्कत थी दबा हुआ है। देखिए सूर्य बुध पर्वत, नेम फेम मिलना, करियर में ग्रोथ मिलना, और ये देखिए ये काम नहीं बनने देता, यानी कि कोई काम आप कर रहे हैं थोड़े टाइम करा लेकिन उसमें कोई ना कोई रुकावट आ गई, इस तरह की चीज़। तो इनको बुध की रेमेडी करनी चाहिए और वो रेमेडी हम इनको बता देंगे, बुध की रेमेडी करें उससे इनको लाभ मिलेगा। अब देखिए हाथ में जैसे कि हमने देखा था कि ये इतनी अच्छी बड़ी बड़ी बुध रेखा है, और आगे भी देखें हाथ में मंगल पर्वत की ओर आते हैं।
मंगल पर्वत देखा जाए तो अच्छा खासा है। देखिए ऐसे में हिम्मती और साहसी होता है इंसान, अंदरूनी मंगल भी इनको बोल्ड बनाए हुए हैं। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए इतनी लंबी लंबी सपोर्ट की रेखा है, तो जीवन में किसी का काफ़ी बड़ा सपोर्ट दिखाई देता है और ऐसा लगता है जीवन में आगे जाके बच्चों का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा बना रहेगा, परिवार वालों का सपोर्ट भी दिखता है। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर चंद्र पर्वत की ओर, तो चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, खूब बढ़िया चंद्र पर्वत है। और यहाँ पर एक लूप है, ये देखिए ये लूप है इस तरह का, ऐसे लोग केवल नेचर लवर भी होते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए अच्छी खासी रेखा, ये ट्रैवलिंग लाइंस भी दिख रही हैं हाथ में, और ये देखिए यहाँ से ये रेखा निकल रही है, तो ये फॉरेन कंट्री से इनकम के सोर्स भी दिखा रही है। ये देखिए यहाँ से भी एक रेखा का निकलना है, कुछ इस तरह से निकल रही है, तो ये ट्रैवलिंग लाइंस भी है और ये फॉरेन कंट्री से सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाती है। यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल है, ये अचानक धन लाभ के योग दिखाता है। ऐसा लगता है इंसान के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ अब कुछ नहीं अच्छा हो सकता है, लेकिन अचानक से कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आके एकदम सारी चीज़ों को पलट देती है। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर ये देखिए शुक्र पर्वत को, शुक्र पर्वत का घेराव अच्छा है, लेकिन ये देखिए ये दबा हुआ है, जीवन में उत्साह की कमी होना इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। ये देखिए ये इन रेखाओं में कट, ये जाल सब चीज़ों में जैसा ऐसा लगता है रुकावटों का आना, चीज़ों का काम नहीं बन के देना, रुकावटों का आना। इंसान के पास रहने को घर है, खाने को रोटी है, लेकिन इंसान के जीवन में उत्साह की दिक्कत है, ऐसा लगता है कि मन खुश नहीं है। अब आते हैं हाथ में इनके लाइंस की ओर, लाइंस में हमने जीवन रेखा भी देखी थी, जीवन रेखा में हमने देखा था ये यफ का चिन्ह, तो अगर हम आगे देखें साफ़ सुथरी रेखा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 38 वर्ष के बाद से जीवन काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा है और सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खुद ब खुद छट जाएंगी। ये देखिए उन्नति की रेखा भी है, ऐसे ही हमने देखा था भाग्य रेखा अच्छी भरी बढ़िया, यहाँ पर जाके ये सब 38 के बाद सब चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी एकदम क्लियर चल रहा है। यहाँ पर देखें रेखाएं एकदम, और यहाँ पर लगता है 49 के आसपास ये कुछ नया शुरू करेंगे अपने जीवन में और खूब तरक्की पाएंगे। और ये देखिए यहाँ से भी भाग्य रेखा एकदम स्ट्रांग हो रही, ये सब ये देखिए कट्स हैं, ये सब इनको दिक्कत देते होंगे, तो पिछले 5-6 साल से इनको काफ़ी दिक्कत दे रहे होंगे। अगर हम देखें तो ये ऐसा लगता है कि ये जो मेन प्रॉब्लम है 34 के आसपास से ज़्यादा शुरू हो गई, 34 से लेके अभी तक के समय में ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का आना। हृदय रेखा लंबी है, ये देखिए काफ़ी अच्छी लंबी रेखा है, काफ़ी मदद करने की आदत होना, लोगों की हेल्प करना, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इतना आके ये टच करना, इतनी बड़ी जब हृदय रेखा हो तो ऐसे लोग के पास होता है कि चाहे दो रोटी होंगी दूसरों को अपनी प्लेट में से फ़ौरन रोटी निकाल के दे देंगे, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, इस तरह की सोच वाले भी व्यक्ति होते हैं लोग। अब आते हैं इनके लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड इनका क्या कहता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड में देखें तो पर्वत अच्छे खासे पर्वत है, ये देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत अच्छा है, ये इनका शनि जो है सैटर्न पर्वत ही अच्छा है। सूर्य पर्वत को देखें तो ये देखिए कितनी लंबी रेखा है यहाँ पर, ये देखिए बुध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, दबाव है, हालांकि यहाँ पर देखिए ये हीलिंग लाइन्स यहाँ पर भी हैं, और ये कितनी लंबी रेखा है ये, तो ये इतनी लंबी लंबी रेखा इनके हाथ में, यहाँ से देखिए यहाँ से रेखा का निकलना, तो ये चंद्र पर्वत से ये विदेश से फ़ायदा करवाना इनके जीवन में, ऐसा लगता है कि ये जो अब तक कर रही थी ये सिर्फ एक टाइम पास था, लेकिन आगे जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव दिखते हैं। ये देखिए ये इतनी बड़ी बड़ी रेखाएँ जब हाथ में हों ये ऐसे, तो इंसान को जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा लाभ ज़रूर देती हैं। और ये देखिए लाभ का समय हम इन्हें बता ही चुके हैं, और यहाँ पर भी देखें ये देखिए इनकी जीवन रेखा पर आएँ तो जीवन रेखा पर ये देखिए कितना दबाव है, ये देखिए, और यहाँ पर भी रेखाओं का कट्स है, ये देखिए ये बार बार रेखाओं का कट, ये देखिए जब इतनी रेखाओं का कट होता है, ये देखिए बचपन में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ यंग एज में भी इनका बचपन में 20 वर्ष से पहले 20 वर्ष के आसपास ये इतना बड़ा कट है, कोई ना कोई बड़ी परेशानी आई होगी। फिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी ये देखिए बार बार कुछ ऐसा लग रहा है 23-24 वर्ष के आसपास, फिर 28 वर्ष के आसपास, फिर 33 के आसपास, फिर 35-36 के आसपास, ऐसे बार 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 आ रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ये रेखा साफ सुथरी चल रही है, यहाँ पर भी हमें उन्नति की रेखा दिखती है, उन्नति की रेखा दिखाई पड़ रही है, यानी इतने कट के बाद भी कुछ ना कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी जीवन में आएगी।
अगर हम देखें ओवरऑल लेफ्ट हैंड काफ़ी बेटर है। लेफ्ट हैंड से ऐसा लग रहा है देख के कि जीवन में जो माता पिता के घर में समय काफ़ी अच्छा बीता होगा, लेकिन जो है इनके राइट हैंड में यव का निशान है, उसने काफ़ी इनका समय ख़राब किया, काफ़ी दिक्कतों का सामना इनसे करवाया है। और अगर हम देखें तो लेकिन आगे आने वाले समय की बात करें तो आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। हाथ में विद्या की रेखा भी बहुत अच्छी है और भी कई तरह की फील्ड्स की विद्या ये जीवन में कर पाएंगी। और अगर हम जैसे इन्होंने पूछा कि कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, मिस्टिक साइंस में जाना चाहती हैं, तो वो भी इनके लिए फील्ड काफ़ी बढ़िया रहेगा। और इनको जैसे हमने देखा विदेश से इनकम, किसी लेडी से लाभ, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। लेडी क्लाइंट्स का काफ़ी मिलना, लेडी क्लाइंट्स से लाभ मिलना, इस तरह के योग हाथ में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ओवरऑल हैंड काफ़ी बढ़िया है, प्रॉमिसिंग है, गिविंग है, लेकिन समय का कुछ ऐसा फेर रहा है कि अब तक इन्होंने जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ परेशानियाँ देखी होंगी, लेकिन आगे आने वाला समय बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा समय रहेगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी मनोकामना है वो सब पूरी हों, जो भी दुख परेशानियाँ हैं वो सब दूर हों। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।